दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों और उनके परिवारों को लगाया जा रहा है बूस्टर डोज, जिसे लेकर अधिवक्ताओं में दिखा जोश। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में सोमवार को बूस्टर डोज लगवाने शिविर का आयोजन किया गया। श्री महावीर कोविड सेंटर के सहयोग द्वारा अधिवक्ता संघ से जुड़े लोगों व उनके परिजनों को कोरोना संक्रमण से बचने तीसरा डोज बूस्टर लगाया जा रहा है, जहां जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फ्रंटलाइन कोरोना वर्करों को संक्रमण से बचाने बूस्टर डोज लगवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायालय में अपनी सेवा देने वाले अधिवक्ताओं को भी फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर माना गया है, जिन्हें सोमवार को शिविर लगाकर बूस्टर डोज लगवाई गई, जिसका लाभ अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बड़ी संख्या में उठाया। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नीता जैन ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। पूरे देश में जिस तरीके का कोविड का कार्यक्रम चल रहा है, सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हम भी उस गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं पूरे कोविड का, उसी तारतम्य में आज महावीर कोविड के द्वारा आज जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के द्वारा ये आयोजन किया गया है और लगभग 1500 से 2000 वकीलों और उनके परिजनों का आज टीकाकरण होना है। डोज और बूस्टर डोज है जो लगाया जा रहा है, केवल आपको सर्टिफिकेट लेके आना है सेकंड डोज का, उसके बाद यहाँ लग जाए। आज बूस्टर डोज की व्यवस्था महावीर कोविड सेंटर के माध्यम से करवाई जा रही है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अधिवक्ताओं के हित में ध्यान रखते हुए और कोरोना काल को देखते हुए यह एक बहुत ही अच्छा काम है और उनके लिए मैं दिनेश पारोटी जी को धन्यवाद देती हूँ। और बूस्टर का डोज जो भी नियम है सरकार के, उसके माध्यम से लगाए जा रहे हैं और सभी अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। लगभग कितने डोज? अभी तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम 1000 लोग रहेंगे। रहने से न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।